cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है पारंपरिक तरीके से जो है बिजाई की जाती है, ठीक है। तो व्लॉग को ना मिस मत करना, पूरा व्लॉग देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैलों को खेत की तरफ ले जा रहे थे और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। आज बहुत ज़्यादा बादल थे और ऐसा भी लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, पर फाइनली बारिश नहीं हुई। तो अभी तो हम जा रहे हैं खेतों की तरफ और यह बस अब पहुँचने ही वाले हैं। और इन वाले खेतों में ना हमने जो है सेज यानी कि हमने खाद जो है पहले डाल दी थी, और ये जो खाद है ना ये गोबर की है, इसमें हमने और कुछ भी नहीं मिलाया है। तो इसमें हमने खाद वगैरह पहले डाल ली थी, तो आज हम इसमें जो है बिजाई का काम करेंगे। तो हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे, तो आप वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए अपने खेत में, और यहाँ से ये जो निचले वाला खेत है ना, यहाँ पे आज बिजाई होगी मक्की की। और अब हिमाचल हो और पहाड़ियाँ उतरनी और चढ़नी ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये बैलों की गर्दन पे लग चुकी है पंचाली। तैयार है हल चलाने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हिमाचल में जो है मक्की की बिजाई की जाती है, मक्की की, गेहूं की, इसी तरह से हमारे यहाँ पे बिजाई की जाती है। तो
अभी फर्स्ट लाइन में तो अभी कुछ भी नहीं बीज रहे हैं, जब सेकंड लाइन स्टार्ट होगी ना तब मक्की बीजना स्टार्ट करेंगे। अभी अभी जस्ट देख रहे हैं कि बैल ठीक से चल रही है। केरा करना। तो फ्रेंड्स अब मम्मी कर रही है केरा, इसे केरा बोलते हैं। हाथ में बीज लेते हैं ना और जहाँ जहाँ जो हल चलाते हैं उसके पीछे पीछे ना एक एक दाना बीज का फेंकते हैं, तो इसे कहते हैं केरा करना। और अब मैं भी केरा कर रही थी क्योंकि मम्मी को देख कर मेरे को भी ऐसे शौक चढ़ रहा था कि चलो मैं भी करती हूँ कुछ काम, तो मैं भी कर रही थी केरा। और मेरे को ना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और ये जो वीडियो बनाई नहीं मम्मी ने बनाई है, और उनको ना फ़ोन पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो कैसे बनानी है, तो उनके हाथ खाली रहेगी कैमरे के आगे आगे। पर तब उन्होंने अच्छी कोशिश की, बनाई दी वीडियो, और एंड में उन्होंने मुझे भगा भी दिया क्योंकि मेरे को केरा मतलब बीच डालने आए नहीं रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उई कैसे तो फ्रेंड्स कोशिश तो मैंने बहुत अच्छी की थी, पर मैं उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी जितने अच्छे से मम्मी करते हैं। तो फिर देख लो मैं कैसे काम कर रही थी अभी, मतलब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि बीज कैसे डालूं, क्योंकि मम्मी को आदत है ना, मेरे को आदत नहीं थी। देखो अब मम्मी मेरे को भगाने वाले हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 12:15 और हम अभी तक खेत में जो है काम कर रहे हैं। देखो खेत से ना ये घास जो है हम निकाल रहे हैं अभी। मैं तो अभी पानी पीने के लिए आई हूँ इधर, मैं सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। देखो कितना घास जो है खेत से निकल गया है। और ये देखो हमारे किसान लोग कैमरे के आते ही एक्शन मारने लग जाते हैं। अरे हमारे बैल हीरा मोती, फ्रेंड्स अभी हमारा आधा खेत कंप्लीट हो गया और अभी थोड़ा सा ही बचा है, और धूप इतनी ज़्यादा हो गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पहले बादल थे और फिर बाद में एकदम से इतनी तेज़ धूप आ गई थी।
फ्रेंड्स, दो हफ्ते पहले जो हमने मेहनत की थी, आज फाइनली उसका रिज़ल्ट जो है आ गया है। और अब मैं कुछ खुद नहीं बोलूँगी, आप खुद ही देखेंगे। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने खेत में, और जो हमने मक्के की बिजाई की थी ना, आप देखेंगे कि वो कैसी जैसी लगी है। तो अभी फाइनली जो है मक्की जो है बहुत अच्छे से उग गई है, और अभी ये बहुत छोटी छोटी है। तो ये है हमारा मक्की का खेत, और ये देखिए इसमें लगी है छोटी छोटी सी मक्की। और ये हमारा नीचे वाला खेत। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नए व्लॉग में।